हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एम ए पी आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा हाउ टू सेलेक्ट सर्किट ब्रेकर साइज सर्किट ब्रेकर का साइज कैसे निकालते हैं देर आर मेनी फैक्टर टू सेलेक्ट सर्किट ब्रेकर साइज सर्किट ब्रेकर का साइज सेलेक्ट करने के कई फैक्टर हैं जैसे रेटेड करेंट सर्किट ब्रेकर का रेटिंग रेटेड वोल्टेज और ऑपरेटिंग वोल्टेज मेंस सर्किट ब्रेकर कितने वोल्टेज के लिए डिजाइन किया गया है अप्लीकेशन टाइप्स ब्रेकिंग कैपेसिटी नंबर ऑफ पोल्स हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं सिंगल फेज के लिए फिर थ्री फेज के लिए एग्जाम्पल वन लोड इज टू किलो वाट इन सिंगल फेज सबसे पहले किलो वाट को के वी ए किलो वोल्ट एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे के वी ए निकालने का फार्मूला के वी एक्वल टू किलो वाट डिड बाई पावर फैक्टर अब 2 किलोवाट को पावर फैक्टर 0.8 से डिवाइड करेंगे तो लोड 2.5 किलोवाट होगा अब इसे वोल्ट एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे वोल्ट एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुना मल्टीप्लाई करेंगे अब 2.5 प्वाइंट फाइव इंटू वन इक्वल टू ट्वेंटी फाइव एम्पियर हो जाएगा अब करंट निकालेंगे तो करंट तो निकालने का फॉर्मूला करंट इक्वल टू पावर डिवाइड बाय वोल्टेज तो करंट आई इक्वल टू 2500 डिवाइड बाय 230 सिंगल फेज का टेंडर वोल्टेज 230 होता है 230 से डिवाइड करेंगे तो 10.86 एम्पियर्स आएगा द मैक्सिमम सेफ करंट लिमिट इज 80% ऑफ द रेटेड साइज ऑफ सर्किट ब्रेकर एज पर एनसी मींस अगर कोई सर्किट ब्रेकर 16 एम्पियर्स का है तो उसका 80% करंट सेफ माना जाएगा जैसे कि कोई सर्किट ब्रेकर 16 एंपियर का है तो उसका 80% 12.8 सेफ माना जाएगा अब हम को और इजी करते हैं हम किसी भी सर्किट ब्रेकर का साइज निकालने के लिए करंट निकालते हैं अगर हम जो भी करंट निकालेंगे उसमें 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 80 परसेंट सेफ करंट लिमिट निकल जाएगा जैसे कि 12.8 पॉइंट एट इंटू वन इक्वल टू सिक्सटीन एमपियर आ रहा है अब हम करंट 10.86 में 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा करंट 13.58 पॉइंट एम्पियस आएगा तो थर्टीन पॉइंट एट से बढ़ के सिक्सटीन एम्पियर का सर्किट ब्रेकर आता है तो हमारा सर्किट ब्रेकर का साइज सिक्स एम्पियर होगा एग्जाम्पल टू लोड इज ट्वेंटी इसमें भी पहले के जैसा किलो वाट को केवीए में कन्वर्ट करेंगे यहाँ भी केवीए में कन्वर्ट करने के लिए पावर फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो ट्वेंटी फाइव किलोवाट डिवाइड बाई जीरो पॉइंट एट तो लोड इज थर्टी वन पॉइंट के वी ए होगा अब किलो को हटाने के लिए थाउजेंड से गुना करेंगे तो लोड थर्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी एम्पियर होगा अब करंट निकालेंगे थ्री फेज में करंट निकालने का फार्मूला करंट आई इक्वल टू पावर डिवाइड बाय रूट थ्री इंटू वोल्टेज रूट थ्री का वैल्यू वन पॉइंट फोर थ्री टू होता है तो थर्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी डिवाइड बाय वन पॉइंट सेवन थ्री टू इंटू फोर फिफ्टीन वैल्यू फोर्टी थ्री पॉइंट फोर सेवन एम्पियर सेम यहाँ भी जो करेंट का वैल्यू आया है उसमें वन पॉइंट टू फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिफ्टी थ्री पॉइंट थ्री फोर एम्पियर्स आएगा 53.34 के साइज का सर्किट ब्रेकर नहीं आता है तो इसे बढ़कर 63.63 थ्री एम्पियर्स का सर्किट ब्रेकर सिलेक्ट करेंगे सर्किट ब्रेकर का एम्पियस निकालने के बाद अब टाइप ऑफ कर्व सिलेक्ट करेंगे बेसिकली सर्किट ब्रेकर के पांच टाइप कर्व होते हैं बी टाइप कर्व सी टाइप कर्व डी टाइप कर्व के टाइप कर्व एंड जेड टाइप कर्व ये पांचों का अलग अलग यूज है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जानेंगे ब्रेकिंग कैपेसिटी शॉर्ट सर्किट के दौरान अचानक करंट हाई होता है हर एक सर्किट ब्रेकर का एक मैक्सिमम ब्रेकिंग कैपेसिटी होता है जहाँ पे वो विदाउट डिस्ट्रॉइंग एनी इक्विपमेंट वो ट्रिप करता है उसे ही ब्रेकिंग कैपेसिटी बोलते हैं इसे हम शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन के थ्रू निकालते हैं ब्रेकिंग कैपेसिटी शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन पे एक डिटेल वीडियो बनाएंगे नॉर्मली मार्केट में आप टेन किलो एम्पियर सिक्सटीन किलो एम्पियर एटीन किलो एम्पियर ट्वेंटी फाइव किलो एम्पियर थर्टी सिक्स किलो एम्पियर 40 किलो एम्पियर फिफ्टी किलो एम्पियर सेवेंटी किलो एम्पियर एटी किलो एम्पियर एंड वन हंड्रेड किलो एम्पियर का सर्किट बेकर मिल जाएगा अब नंबर ऑफ पोल एज पर एप्लीकेशन जरूरत के हिसाब से अलग अलग पोल्स का यूज करते हैं एस पी सिंगल पोल सर्किट ब्रेकर एस पी एन सिंगल पोल एंड न्यूट्रल सर्किट ब्रेकर डीपी डबल पोल सर्किट ब्रेकर ये तीन सिंगल फेज में यूज करते हैं डीपी ट्रिपल पोल सर्किट ब्रेकर डीपीएन ट्रिपल पोल एंड न्यूट्रल सर्किट ब्रेकर और पी फोर पोल सर्किट ब्रेकर ये थ्री फेज के लिए यूज करते हैं यहाँ पे कंक्लूजन निकल के आता है सिंगल फेज और थ्री फेज का तो थ्री फेज का सर्किट ब्रेकर रेटिंग 16 एम्पियर एंड थ्री फेज का 63 थ्री एम्पियर नंबर ऑफ पोल सिंगल फेज में एस पी सिंगल फेज सिंगल पोल और थ्री फेज में फोर पोल कर्व कर्व टाइप टाइप सिंगल फेज में बी कर ये एज पर एप्लीकेशन यूज करते हैं जैसे लाइटिंग लाइटिंग सर्किट रहा तो बी कर टिप लोड रहा तो सी टाइप वैसे थ्री फेज में भी सी टाइप कर एज पर एप्लीकेशन ले लिया हो आप एज पर एप्लीकेशन एज पर लोड यूज करते हैं शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी ये शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन के बाद ही ये ब्रेकिंग कैपेसिटी सिलेक्ट करते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो आई होप इस वीडियो से आपको सर्किट ब्रेकर के बारे में नॉलेज मिला ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेज पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब